और सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज ये हमारा कपड़ा है और कली वाला प्लाजो काटेंगे हम, ठीक है। कली वाला प्लाजो कैसे काटेंगे, एक बार मैंने आपको और भी दिखाया था, आज मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा ऐसा है, इस तरह से देखिए, ठीक है। ये 2 मीटर हो, 2.25 मीटर हो, 2.5 मीटर हो, मतलब ये 2 मीटर में भी अच्छा घेर वाला बन जाता है और 2.25 में भी, ठीक है। ये हमारा 2.25 है। अब इसकी मैंने 4 तह बना दी, देखिए, ठीक है, 1, 2 और 2, ये 4, ठीक। और इसको इस तरह से रख लेंगे, ऐसे। जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही लंबाई रखेंगे इसकी, हम फालतू कपड़े को निकाल देंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे, हमने इसकी 4 तह बना ली है, रख लिया है इसको। अब देखिए ये हमारा कपड़ा है, जितना भी कपड़ा है उस कपड़े को हम 3 हिस्सों में कर लेंगे। ये हमारा 21 है तो 7 हो गया, यहाँ पे 7 ये इस साइड में बच गया, ठीक है। या फिर 7 इस साइड में ले लें, वो अपनी मर्जी है कौन सी साइड में ले लो। अब यहाँ पे 7 लिया है तो वहां पे 14 लेना है नीचे, यहाँ पे हम 14 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, फीते से मिला देंगे ऐसे या फुटे से मिला दें, सिल्क है और ये जल्दी स्लिप होता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से इस पे निशान लगाएं। लग गए हमारे साथ। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, हो गई कटिंग। अब इसको इस तरह से घुमा देंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले लेंगे और ये यहाँ पे जो ज्वाइंट है ना इसको अलग कर लेंगे ऐसे, हो गया। अब इसको इस तरह से रखेंगे, इसके साथ मिला देंगे, ये तो 2 पार्ट हो जाएंगे, खोलेंगे ना तब हम, ज्वाइंट नहीं है बीच में, और ये 4 हो जाएंगे तो 2 पार्ट एक इस पे जुड़ेंगे, 2 नीचे वाले, ये 2 पार्ट है दोनों पे ऐसे ही, दोनों दो साइड में अटैच हो जाएंगे। अभी ये देखिए 2 एक पे अटैच हो जाएंगे और ये 2 एक पे, इसकी हम सिलाई कर लेंगे, सिलाई से अटैच करके फिर आसन को काटते, ठीक है। मैं पहले ही आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है, रखते हैं इसको ऐसे। अब ऊपर लगानी है बेल्ट, ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे तो नीचे का लेंगे 11 इंच, ठीक है, 11 इंच। यहां छटाई करनी है हमने 2 इंच की, 2 की या 2.5 की होती है, 2.5 की कर लेंगे, 2 या 2.5 काफी है। अब इसको मिलाएंगे ऐसे इन सब जॉइंट को, और यहां ऊपर से मिलाना है ऐसे। ये हम आसन की छटाई कर रहे हैं, तो यहां पे हम गोलाई कर लेंगे, ये तो हमारा निशान है, इसी के ऊपर से ऐसे कटिंग करेंगे, यू, ठीक है, हो गया। इसको ऐसे नीचे से रख
देंगे जो वापिस। नीचे का हमारा काफी घेर बन चुका है और अच्छा भी लगेगा ये घेर। अब सिलाई करने के बाद इसकी दोबारा से ये सिलाई करके और नीचे ये चीजें बढ़ती घटती हैं, ठीक है, इनकी दोबारा से फिर हम कटिंग करेंगे ऊपर। पहले हम रबड़ डाल लेंगे और इनर भी हम ऐसे इसको रख के सिलाई करने के बाद कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके काट लेंगे, ठीक है, और ये नीचे वाला जो बढ़ेगा ना उसको भी बाद में कटिंग करेंगे, ठीक है। अब पहले हम सिलाई करेंगे इसकी, ठीक है, ये हो गया, हमने सिलाई लगा ली है। और देखिए इसके ऊपर हम ये बेल्ट लगाएंगे जो इलास्टिक के लिए है अपनी, ठीक है, ये ऊपर लग जाएगी ऐसे, हमने ये काट के रख दी है। अब इसकी जो कटिंग करनी है ना ये पहले काट के रख देंगे, अब जो इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से करनी है, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे हम इस तरह से 35 करेंगे इसको, क्योंकि 2 इंच ऊपर बेल्ट लगेगी, 1 इंच सिलाई में आ जाएगा नीचे और ऊपर मिला के, ठीक है, 35 करके यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ऐसे चाक से, ठीक है, और यहाँ पे भी निशान लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा देंगे 35 से, ठीक है, बीच बीच में और एक आध लगा देंगे ऐसे, ये हम गोलाई में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी उससे, और यहाँ पे भी ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी गोलाई कैसे करेंगे, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ एक एक पार्ट करके, अलग अलग काटे इसको, एक साथ नहीं काटना है, कम या ज्यादा हो जाएगा उससे, ठीक है, एक की कटिंग हो गई हमारी, देख आ गई ना इक्वल। अब इनर की कटिंग करेंगे हम, इनर की कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमारा इनर है, इसकी भी मैंने 4 तय कर ली है, 2 मीटर का इनर है हमारा, देखिए अब ये हमारा प्लाजो है जो उसको ऐसे रखेंगे यहां मिला के यू, और ये मिलाना यहां है इस तरीके से, ठीक। अब इसकी कटिंग करनी है, बहुत आसान है, इनर की कटिंग करनी, देखिए अब इसकी लंबाई से 2 इंच ज्यादा कम लेंगे, ये है ना, इसे कम लेंगे 2 इंच, यहाँ पे है ना हमारा निशान लगा देंगे ऐसे चौक से, ऐसे मार करके इसको उठा देंगे और इसे 2 इंच कम, 2 इंच भी यहाँ पे निशान लगाया, और ये टोटल बनता है हमारा 6 इंच, तो यहाँ पे भी हम 6 इंच लेके और ऐसे काट देंगे इसको फालतू कपड़े के, इनर अंदर अंदर रहना चाहिए ना, ज्यादा लटकना नहीं चाहिए इसलिए ही, ऊपर बेल्ट लगाएंगे, पहले इनर को अटैच करेंगे, अब सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इनर को अटैच कर लिया है, देखिए ऐसे सिलाई लगा के, और ये मैंने इसको अटैच कर दिया है, जो कटिंग की थी ना कलियां कटिंग थी, देखिए ये कलियां हिस्सा, ये सीधा साइड है और ये हमारी है उल्टी साइड, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी होता है, इसके ऊपर रखा और ये देखिए सिलाई लगा देगी ऐसे, ठीक है, और नीचे से ये एक पैर की सिलाई लगा देते हैं ऐसे, और अब नीचे से पहले हमारा जो घेर है ना इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक पैर का, जैसे ये हमने ये किया है ना एक पैर का की सिलाई लगा रखी, ऐसे इस पे एक पैर की सिलाई लगानी है बिल्कुल, ऐसे फोल्ड करके
आराम से सबसे पहले हम ये नीचे का फोल्ड करेंगे दोनों का। ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट पे भी लगा लिया है इनर अटैच करके। देखिए अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो नहीं होगा, और नीचे वाले को हल्का सा खींचेंगे ना अपने आप ही फोल्ड हो जाता है ऐसे, देखो है ना। ये नीचे का जो मोरी है वो फोल्ड कर रहे हैं, देखिए ठीक है, इक्वल लेंगे इसको, ये देखिए नीचे वाले को खींचेंगे, ऊपर वाले को आराम से रखेंगे, देखिए हो रहा है ना हमारा आराम से बिल्कुल। ऐसे ही पूरे नीचे का जो हमारी मोरी है उसमें ये देखिए ऐसे, ये ऐसे पुख्ता चला गया ना अपने आप ही, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। नीचे वाले कपड़े को अगर हम खींचेंगे ना तो आराम से इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये पूरी मोरी में ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है ठीक है। ये दोनों नीचे से भी फोल्ड हो गए हैं और ये मैंने इनर भी अटैच कर लिया, ठीक है। अब इसको एक पार्ट को हम ऐसे सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके आसन को अटैच करेंगे, एक साइड से हो गया। ये हमारी दूसरी साइड भी ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे इस पे, हो गया दोनों एक साइड से, एक आसन तो ये हो गया और एक हो गया दोनों साइड से अटैच। अब इसको ऐसे रख के इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट कैसे लगाएंगे हम, जो ऊपर के लिए हमने कपड़ा काटा था लिया था ना, जो हमारा कपड़ा था 4.5 इंच की हमारी जो पट्टी थी वो लगाएंगे इसके ऊपर। वो कैसे लगाएंगे, ये हमारी पट्टी है देखिए, ठीक है। इसको ऐसे इसके ऊपर सीधी साइड में, देखिए सीधी साइड में रखेंगे हम, और 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल देंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। या इसको उल्टी साइड रख के भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको उल्टी साइड से लगा के ले आएंगे, चलो ये देखिए ऐसे, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सीधी साइड में रखेंगे तो उल्टी साइड से सिलाई लगेगी लास्ट, और उल्टी साइड में रखेंगे तो सीधी साइड में हमारी जो ऊपर वाली सिलाई आएगी वो आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे पूरे घेर में घुमाना है, ऊपर का जो हमारी कमर का घेर है उसमें पूरे में घुमाएंगे ऐसे, से ही सिलाई लगाते रहेंगे। खींचते रहेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। ऐसे ही इस पर नीचे वाला इनर ना आ जाए इसलिए थोड़ा सा आराम से सिलाई लगाई। इसको आराम से रखें, ठीक है ठीक लग गई हमारी सिलाई, देखिए। इसको ऐसे कर लेंगे, ये सिलाई ना इसके बिल्कुल उठस में यहाँ पे हम इसको रोक देंगे और इस तरह सीधा करेंगे इसको ऐसे, यू ठीक है। और ये कटिंग कैसे करना हमारा, ये 1/2 इंच मैंने इस साइड का छोटा था, 1/2 इंच इस साइड का रख के, और जो फालतू कपड़ा उसको हम ऐसे रख के और काट देंगे, जो हमारे ज्यादा ले रखा था ना हमने बेल्ट में। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे यू के, यू यू है ना स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे,
है हमारी बेल्ट ऊपर की तैयार। देखिए इसको अब सीधा करेंगे ना, ये ऐसे हो जाएगी पूरी बेल्ट, देखिए हो गई ना। ये हम यहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, अब इसमें हम रबड़ डालेंगे। और ये हमारी कमर है 39 की, और 39 की कमर में हम 9 इंच कम करेंगे तो हम 30 का रबड़ लेंगे, ठीक है 30 इंच का रबड़ डालेंगे। ये हमारा इलास्टिक है, रबड़ जो बोलते हैं इलास्टिक बोलते हैं इसको, ये है। यहां से इसको मैं काट दूं, ये देखिए 30 इंच का हमारा रबड़ है, और ये मैंने काट के और यहाँ पे सिलाई लगा दी इस पे, ठीक है। अब इसमें इसको शुरू करेंगे यहाँ पे रबड़ डालना, इसमें ऐसे सीधा करेंगे बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल यू करके इक्वल यहाँ पे इस तरह से रख देंगे इसको। ज्यादा से कपड़ा है तो इसको अंदर की साइड में दबा देंगे यू, और सिलाई शुरू कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इस साइड में रबड़ का फेस। अब यहाँ पे सिलाई शुरू करेंगे, और ये सिलाई है ना जो नीचे वाली, उसके बिल्कुल टच में ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग से ले यहाँ पे इक्वल इक्वल करके, ठीक है। देखिए आराम से रबड़ डल जाएगी, हमारी इलास्टिक आराम से डलेगी, देखिए लग रही है ना सिलाई। ऐसे ही पूरे घेर में सिलाई लगाते लेके आएंगे इसमें, और अपने रबड़ को सेट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे अलग से फिनिशिंग दिखेगी इसमें, ठीक है, पूरे में डाल देंगे ऐसे ही। देखिए ये हमने इलास्टिक डाल दी, सिलाई लगाई ना ये वाली, अब यहाँ से शुरू करेंगे। एक बीच में सिलाई जरूर लगाएंगे, उससे क्या होता है देखिए जो हमारी ये रबड़ है ये भागेगी नहीं, इलास्टिक इधर उधर नहीं होगी, कई बार फोल्ड हो जाती है अपने आप ही अंदर फोल्ड होके रह जाती है, ठीक है। अब ये ऐसे देखिए, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा यू खींचेंगे, और खींच के एक ऐसे एक हाथ से पीछे से खींच लेंगे तो ये लुक आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी ऐसे, देखिए देखिए पूरे में ही डाल दूंगी मैं ऐसे, दिखा दूंगी आपको, देखिए ऐसे लुक हो जाएगी अपनी इलास्टिक की। देखिए ऐसे एक तो ऐसे लग रही है, और एक अब देखिए अब फिनिशिंग हो जाएगी ना इसमें तो और भी बेटर लगती है। पूरे में हमने सिलाई लगा दी है, ये अब ये घूमेगी नहीं हमारी जो इलास्टिक है, अब ये घूमेगी नहीं, ठीक है, हो गया। नीचे से हमने ये फोल्ड कर दिया था, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब रहेगी हमारी बीच में जो सिलाई लगती है ना वो वाली, एक पैर की ही लगानी है हमने यहाँ पे, सेंटर सिलाई लगा देंगे यहां से ऐसे मिला के, और यू कर देंगे, अभी बीच वाली सिलाई मैंने शुरू कर दी है। ये हमारे आराम से मिलके आ गए ना जोड़,
आसन वाला जो जोड़ है, ज्वाइंट है हमारा, आराम से हमारा मिल के आ गया है। देखिए ऐसे ही यू फोल्ड करके, पूरे हमारे कली प्लाजो पे ये सेंटर सिलाई लग गई, थोड़ी सी रह गई बिल्कुल। देखिए यहाँ भी हमारा इक्वल इक्वल पूरा हो गया है, ना ही कहीं से घटा है और ना ही कहीं बड़ा है। अगर हम कटिंग अच्छे से करेंगे ना तो ये घटे बढ़ेगा नहीं हमारा। देखिए पूरा हो गया ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। अब ये सिल्क तैयार हो चुका है, अब मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया हमारा सिल्क तैयार, लग रहा है ना अच्छा है ना। आप उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।